मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने ससुराल जाने के लिए, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया ससुराल गए हुए। देखो कितना प्यारा लगता है इस टोपी में, टोपी में इतना प्यारा लगता है। मत डरो तो कुछ नहीं, ठीक है। अरे कुछ नहीं कर रहा, क्या पसंद आ गया इसमें? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा ट्यूबर। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल सेहतमंद होंगे, फाइन होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मायशा, मम्मी पापा शायद सब अच्छे हैं और कामाक्षी मुंबई में मजे कर रही है। गर्म पानी सर्दियों में पीना पड़ता भाई, उठ गई। पता नहीं क्यों मेरे गले में, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता नहीं होता, पर मेरा तो सुबह जब भी मैं उठता हूँ सो के भाई बिल्कुल गला सूखा हुआ होता है, तो गर्म पानी पिए बिना तो मेरी आवाज़ निकलती नहीं है। हाँ, बाकी बाल ज़्यादा छोटे हो गए मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने हेयर बैंड लगा रखा है। वो हेयर बैंड लगाने की अब तक मेरी आदत गई नहीं है, अभी इसको सेट करूँगा, सो के उठाऊँ बिगड़ गए हैं। छोटे बाल ज़्यादा ही हो गए, पर मुझे लगता है ठीक है यार, बड़े बाल बाद में करेंगे, सर्दियों में फ़ायदा नहीं है, ड्राइनेस होती है, डैंड्रफ होता है, सौ चीज़ें होती हैं। सही लग रहा है ना? बाकी भाई मैं हूँ इस वक्त अपने स्टूडियो में और अपने मासा ऑन बूसा चैनल की एडिटिंग कर रहा हूँ, जिसकी एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा सा हो जाए एडिटिंग वगैरह, क्योंकि जो मेरी पहले की दो वीडियोज़ हैं जो मेरे दूसरे चैनल की मासा ऑन बूसा, उसकी भाई उसमें माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और शूट करते टाइम नहीं पता चला, जब घर आके देखा तो देखा कि वॉइस क्वालिटी बहुत बेकार रखी है, बीच में बहुत वो आ रहा है यार, बहुत नॉइज़ आ रहा है और बहुत एक आवाज़ आ रही है, मतलब माइक फटने की आवाज़ आ रही है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। वो चीज़ मैंने अब सॉल्व कर दी, मैंने माइक भी चेंज कर दिया, मैंने उसका लेवल वगैरह सब चेंज कर दिया, वो दिक्कत अब देखने को नहीं मिलेगी वहाँ पे। और शायद बेसमेंट में जिम कर रही है। बेतू पहचान लग गई जो उसको बोलो ना बेटू या मायशा, लिटरली रिस्पॉन्ड करती है, मुझे नहीं पता आवाज़ को रिस्पॉन्ड करती है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड करती है, पर सच में पहचानने लग गई है। बेतू आपने आज वेलकम किया, आपने आज वेलकम नहीं किया ना, वेलकम किया आपने? अभी पापा के पास लेटी थी तो आवाज़ें मार रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत प्यारी चिल्लाती है, इसकी जो आवाज़ है ना एकदम चिड़िया की तरह चिल्लाती है। और कह रही थी लिटरली कि मुझे गोदी में उठा लो, मुझे लेटना नहीं है। और सच में बोलती, मतलब आप देखो जिस जो अभी बच्चे को मतलब पाल चुका है, जो बड़ा कर चुका है, जिसका भी छोटा बच्चा है वो पहचानता होगा कि बच्चा मतलब सारी मतलब बातें समझने लग जाओगे, आपको बोलता नहीं है बच्चा पर आप इसकी सारी बातें समझोगे, इसे कब दूध चाहिए और कब इसे गोदी में उठना है, कब इसे बैठना है, कब इसे लेटना है, सब जता देती है। इतनी होशियार हो गई है मेरी बेतू है। गमले को देख लिए, लो पकड़ लो, लो लो पकड़ लो। बेतू की मम्मी आ रही है, बेतू की मम्मी इतनी सीरियस है ना एक्सरसाइज को लेकर कि सच बता रहा हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो जिम करना ही करना है। और शायद आप पतले भी लग रहे हो, कितना बजे तक हो गए, थक गए लेग्स है क्या? लेग्स भी है, क्या किया है ये तो बताओ, एब्स और बाइसेप्स ट्राइसेप्स और दोनों दिखाओ, दोनों दिखाओ। मेरा जान, मेरा जिगर का टुकड़ा है तू रे, मैंने कितने प्यार से हंस रही है, देखो तो सही हंस रही है सच में, मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा, मेरे साथ ही आई लव यू मामा, लव यू सो मच, देखो समझती है ना बातें, कोई से प्यार से बात करे प्यार से रिस्पॉन्स करे तो डांट दो तो रोने लग जाती है। भैया तू चलो मम्मी को परेशान करो ना थोड़ा सा, जाओ मम्मी को परेशान करो, मम्मी हाथ धो ले फिर मम्मा गोदी लेगी, कपड़े बदल ले। जिम घर का ही तो है, कोई बाहर थोड़ी ना गए, फिर मैं नीचे गंदगी में लेती हूं ना। चलो कोई नहीं, क्या कह रहे हो, मैं बिल्कुल बच्चे को संभालता है, तो मैं बिल्कुल बच्चे को नहीं संभालता, तू खुद बच्चा है, बच्चे हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं अभी खुद बच्चा हूँ, अभी मेरे को मम्मी खुद संभालती है, खाना दूध पानी सब मम्मी मेरा संभाल रही है, मैं क्या बच्चे को संभाल लूंगा यार मम्मी। ओके तो भाई मेरे को तो शायद अपना नाश्ता वास्ता कर रही है भाई, जिम से आने का, तो अपनी डाइट वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे है और साथ ही साथ भाई एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे भी और एक्सरसाइज पे भी बिल्कुल मिस नहीं कर रही ना डाइट ना एक्सरसाइज, और बिल्कुल भी चीट डे जीरो एकदम। मुझे शायद ने एक वॉलेट गिफ्ट किया, क्योंकि लास्ट जो था ये मैंने 2015 में खरीदा था, 2015 में मानोगे 2015 से अब तक ये चल रहा है, और इसके अंदर देखा जाए तो हालत इसकी हो चुकी है खस्ता, पर इसके अंदर आपको दिखाता हूँ बहुत लगा लो, शायद इस पर्स में मेरा जो शायद ने मुझे नया वॉलेट दिया, मैं पर्स ही बोलता हूँ वॉलेट होता है वैसे, नया पर्स जो शायद ने मुझे गिफ्ट किया है, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, देखो इसके अंदर मेरा ये सारा सामान आ पाता है नहीं आ पाता, पर है बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लेदर क्वालिटी में, मतलब जेन्युइन लेदर लिखा हुआ है सच, इसके अंदर कार्ड है जेन्युइन लेदर का, बाकी ये भी मेरा था जेन्युइन लेदर ही वुडलैंड का, पर इसकी हालत उधड़ चुकी है 6 साल में। अब मैं आपको सामान दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मैंने खजाना छुपा कर रखा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़।
दिखाता हूँ। देखो ये तो कार्ड है, ये तो नॉर्मल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, इनको छोड़ो। ये देखो ये है वॉलेट कार्ड मेरा, इसे तो पहचानते ही होंगे यार। कौन कौन है आप? मैं बेबू। ठीक है चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कैश है, कैश ही मैं बस रखता हूँ कि मेरा बाइसेंस कभी यूपीआई अटक जाए तो उसके लिए थोड़ा छोटा मोटा कैश अच्छा रख लो तुम, रख लो से। बाकी ये तो मेरी बाइक का पॉल्यूशन है और ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वही अपने आधार कार्ड वधार कार्ड। छोड़ो अब दिखाता हूँ मेन चीज़। पहले तो इसके अंदर मिलेगी आपको मेरे दादाजी की फ़ोटो और मेरे पापा की फ़ोटो, ठीक है? मेरे दादाजी की फ़ोटो, वो पापा की फ़ोटो और दादाजी की फ़ोटो मैं हमेशा रखता हूँ अपने साथ, ठीक है? और ये कलेक्शन दिखाता हूँ भी किस चीज़ का कलेक्शन है, अभी आप लोगों ने देखा ना इसको कभी। नए वॉलेट में डाल रहे हो? नए वॉलेट में डाल रहा हूँ। और आपने बताया नहीं मैंने आपको गिफ्ट किया? अरे बताया यार, कितने गंदे हो। और जो सबसे पुरानी चीज़ जो इससे पहले वाले वॉलेट में भी थी और इस वॉलेट में भी थी, दिखाओ दिखाओ। ये क्या है? ये बता कब से रखा हुआ है, पेपर देख लो कितना पुराना हो चुका है। पर ये जब भी मैं नया वॉलेट लेता हूँ, लिया था मैंने उस टाइम पर 2015 में लिया था शायद, 2014 में भी रखा था मैंने जब शाय मिली थी, और 2015 में भी ऐसा लकी क्या कहते हैं लकी चाम, लकी चाम मैंने इसको रखा था शाय जान। और ये देखो कितना पुराना पेपर हो चुका है, ये ऐसे ही रखा हुआ है इसके अंदर। मैं इनकी राइटिंग और दिल देख रहा हूँ कितने सारे। ये पुराना है, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है, 2015 का, ये 14 का, 2014 का जब मैंने वॉलेट चेंज किया था 15 में, जब यही चीज़ इसमें डाली थी, और जब ये वहाँ से चेंज हो रहा है अब इसमें जा रहा है 2015 के बाद, अब वॉलेट चेंज कर रहा हूँ मैं। और ये चलान है यार, कटते रहते हैं, हम बहस नहीं करते पुलिस वाले से, हम चलान कहते हैं भैया काट लो आपका काम है, तो छोड़ो इधर रखो। और दिखाता हूँ, और बाकी सिक्के विक्के चिल्लड़ चल्लड़ यही है, फोटोज़ वगैरह जल्दी देखो। 786 हाँ किसको पसंद है पहले ये बताओ, 786 का कौन लवर है, तो भाई वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। वैसे मेरे पास बहुत सारे, मैंने बांट दिए, और 10 का नया नोट 786, 10 का पुराना नोट 786, 20 का पुराना नोट 786, 20 का नया नोट 786, 50 का पुराना नोट 786, 50 का नया नोट 786, 100 का पुराना नोट 786, 100 का नया नोट 786, 200 का नया नोट 786, 500 का पुराना नोट, अब इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, पर 786 की वैल्यू है इसके अंदर। पुराना नोट 786 डिसकंटिन्यू हो चुका है, पर मैंने रखा था। 500 का नया नोट 786, 500 का नया नोट 786, 500 का नया नोट 786, एक तो मुझे दे दो भाई, एक मुझे दे दो, एक मुझे ले लिया मैंने, बस पहले भी है यार, 786 2000 और ये बता दूं, एक बार 2016 की बात है, 2016 में शायद मेरे को 500 की गड्डी थी, उसके अंदर 786 का ये नोट निकला था लिटरली, मोनेटाइजेशन से एक महीने पहले की बात है, प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं खरीद लूंगा। अपने पर्स को तैयार करते हैं और मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। पुराना पर्स बाबा बहुत साथ दिया, बहुत दिया, फेंकूंगा नहीं, रखूंगा यार पर्स का भी, वॉलेट अपना फेंकना नहीं चाहिए। कोई बोल सकता है इतना टेस्टी भी डाइट का खाना हो सकता है? मैं हेल्दी बिल्कुल नहीं खाता, पर ये हेल्दी लगी नहीं था, मतलब हेल्दी है पर टेस्ट, ओहो मैं तुम्हें खा लो एक बार, बहुत मेहनत करके आया हूँ, मैं प्रोटेस्ट में बैठ के आया हूँ थोड़ी देर। घर के बाहर हमारे बिल्कुल ये ठेका खुल गया है, तो उसके प्रोटेस्ट में बंद कराने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा हो रखा है, तो मैं भी आधा घंटा बैठ के आया हूँ वहाँ पे। अच्छा मुझे लगा वो पापा के साथ वहाँ गए थे। नहीं प्रोटेस्ट में बैठे हुए, अक्षय तो अभी बैठा हुआ है। अच्छा ये लोकल आपके सोसाइटी में ठेके नहीं होने चाहिए, और मुझे लगता है कि ठीक है अपनी अपनी परसेप्शन है, पर मुझे ठेका घर के आसपास ठेका नहीं होना चाहिए। अच्छा थोड़ा छोड़ दो, मेरे को भूख भी लगी है। अच्छा दो बाइट और ले लो। A few moments later. 4 महीने हो गए और मैं अब तक ससुराल नहीं गया, शायद को भारी ड्रॉप करके बाहर से ही पिक करके आ जाता था, पर इसलिए आज हमने सोचा आज टाइम निकाल के चलते ससुराल चलते हैं। बहुत दिनों के बाद बेटू तो अभी मिली थी, बेटू को देखो जहाँ कैमरा शूट चल रहा होता है बेटू की नज़र वहीं होती है, और इस वक्त शायद ना एक शायद को बहुत मतलब हमें बहुत अच्छी चीज़ रिसीव हुई है इंस्टाग्राम से, ये देख सकते हो ये मयंक लिखा है इनसे, क्राफ्टेनिया एंजल ने ये कस्टमाइज एम भेजा है जिसका मतलब है मायशा मयंक, बस हाँ शायद साइमन ही है। जहाँ मयंक और मायशा होगी वहाँ साइमन ही होगी। अच्छा होगी, देखो सारी फोटोज मायशा की, वैसे बेसिकली एम जो है मायशा वाला एम है, मयंक वाला एम नहीं है, और ये बहुत प्रिटी है, और बेटू ने खुद ही मुंह ढक लिया। बेटू ठीक है माना एक्साइटेड होते हो, पर ऐसे नहीं होता ना, देखो ऐसे चलता है। लाओ ये बहुत प्यारा एम है, इसमें हमारी सारी फोटोज हैं, और सच बताऊं सारी फैमिली की हैं, सारी फैमिली फोटोज हैं जिसमें कामाक्षी खुशबू दीदी भी हैं, सब कुछ है इसमें आई गेस, बहुत प्रिटी है ये देखो, ऐसे जलाते एलईडी जल जाती है प्यारा। ये बेटू ने फिर मुंह ढक लिया, से मजा आ रहा है यार देखना, इसे मजा आ रहा है। हाँ
आज है डे आउट विद सास ससुर जी, सास एंड ससुर जी। आप शायद कपड़े भी लूज हो गए, मुझे इन्फेक्ट टाइट हो गया, मुझे मेरी इसकी जिप बंद नहीं हो रही है, मैं कर भी नहीं रहा, पेट देखेगा नहीं तो कोई नहीं, हो जाएंगे पतले, जिम तो खुलने दो, फिर हम भी पतले हो जाएंगे। बेटू को छोड़ के आ रहा हूँ मैं 4 दिन के, ठीक है? शक्ल देखो बेटू कितना प्यारा लगता है इस टोपी में, इतना प्यारा लगता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने ससुराल जाने के लिए, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया ससुराल गए हुए। देखो मिलते हैं घर वैसा का वैसा, बीच में एक बार गया था पर जब पापा मम्मी नहीं थे, जब फहीम अकेला था, तो एक रात के लिए मैं गया था, नाइट आउट मान लो। कुछ नहीं, अंगूर लिया 1 किलो मैंने, 160 बोल रहे हैं भैया, मैंने कहा चलो ठीक है। एक्चुअली कई बार क्या होता है, गाड़ी देख के ना थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, मैंने ये फील किया है, अभी मैं पैदल जाऊंगी। फील नहीं किया मैंने, सुना है कि मैं तो देखो खरीदता नहीं पर ऐसा होता है। ये मेम्स वगैरह काफी मैंने वो देखे हैं जो यूट्यूब पे वाइंस बनाते हैं, उनकी स्टोरी देखी है कि बंदा गाड़ी में आता है 200 रुपए किलो, बाइक पे आता है 160 रुपए किलो। अरे अरे मीम नहीं, मैंने काफी यूट्यूबर्स की देखी है, उसके बाद पैदल आता है कहता भाई 40 रुपए, वो मारता गुस्से में थप्पड़ सारे। मैं वही हूँ जो पहले गाड़ी में आया था, वो मैंने देखी थी रियल रियल शिट करके कुछ है, उनकी वीडियो देखी थी मैंने, वो याद आ गई। अच्छा हरे हरे दिख रहे हैं। बेतू बेतू सही मौज में। आज हमारे साले साहब कहीं काम से गए हुए हैं, तो अब अंदर गाड़ी में घुसाता नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट का टाइम है तो जाम लगता है, तो पैदल जाएंगे मैं आज, मैं और शायद देखो अपने ससुराल पैदल। बस बस फहीम ने कॉल ही नहीं उठाया, हमने इतना ट्राई किया, तो हमें वॉक करके जाना पड़ रहा है। मम्मी अकेली है घर पे, पापा को ऑफिस की भी छुट्टी नहीं हुई है, पापा भी आने वाले हैं, मयंक बेटू को लेके चल रहा है, मैं बैग और फ्रूट्स खाली हाथ नहीं जाता ना, तो फ्रूट्स लेके जा रही हूँ। मम्मी आ जाओ जल्दी, पकड़ो अपने नातन को। माई से उठ गई, आज फहीम की वैल्यू पता चली है, मेरा हाथ की नस चढ़ गई बहुत अच्छी खासी, और ऐसे बेचारा मेरे को लेके आता है लेके जाता है। बेटू बेटू इधर, अब मछले दिख रही है बेटू, देखो तू गंद, ओए बेटू नानी का घर पहचान लिया आपने? ये रोती नहीं ना बिल्कुल भी, कहीं भी चले जाओ कोई भी गोद में ले लो, बिल्कुल नहीं रोती अभी तक तो। और क्या हाल है साले साहब? ये बता, नई बाइक चलाने गया था, काम वाम से नहीं आया था, नई बाइक घुमाने गया था। भाई ये चीज जो तू कर रहा है हम कर चुके हैं, इसलिए हमें मत सिखा, काम से गया था मैं, काम से नहीं गया था। पर भाई आज तेरी वैल्यू पता चल गई, चारों हाथों में थैले भरे हुए हैं, बेटू संभाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। पहचान गई करे, तो कल ही तो आए थे घर पे। शायद बोलना चाहती है पर कैमरे के सामने नहीं बोल पा रही, कोई नहीं लाए की याद आ रही है फहीम की, सच में फहीम क्या फहीम तो गायब है भाई, मेरी वॉट लगने वाली फिर तो पक्का। एसचन सोफा खराब मत कर, काटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बर्बाद कर, ओए ओए मेरे पति के ऊपर हमला मत कर, इसके दांत बहुत पहने हैं सच में। तुम डरो नहीं ठीक है, अरे कुछ नहीं कर रहा, तू आप डरते हो किससे, आप सच में डरते हो इससे? अरे यार, अरे चलो ठीक है, शांत 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 शांत, मुझे लगेगा मैं एक्टिंग करती हूं, तुझे पता है मुझे पंजा मार दिया था, मैं डरती हूं। अरे भाई भाई कैसे मुझसे 1.5 साल हो गया, कैसे को पसंद करती है, पर यार वो इसको जानवरों से हर से नहीं सारे जानवरों से डरती है, ये सिर्फ सिर्फ क्या पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद क्या, सिर्फ चूजे, चूजे बहुत पसंद है। अब उन बेटू को डरा दिया यार, चलो ठीक है ऐसे बंद कर दिया। बोलो सिक्किम मेघालय टाइप वाली जगह जा सकते हैं? सिक्किम मैं बचपन में गया हूँ, सिक्किम सिलीगुड़ी गैंगटॉक बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत है। गैंगटॉक गैंगटॉक में जाने का कोई फायदा नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता। नहीं मेरे को अब तक याद है, मैं जो घूमा था गैंगटॉक, क्लास में 4th क्लास में गया था, मेरे को सब याद है। सिक्किम गए हो तुम? सिक्किम सिलीगुड़ी गैंगटॉक दार्जिलिंग 4 जगह गया था। कितने रात के लिए? पता नहीं शायद 5 रात होंगी। और मेघालय आपको कहाँ जाना है बताओ? मैं सोच रही थी, ऐसे सोच रहे थे, सोच लो कोई नहीं जल्दी प्लान बनाएंगे, पर अभी हमारा जो अभी रिसेंटली ट्रिप का प्लान है पहले वो कंप्लीट करते हैं। हमारी फैमिली पूरी कहीं ट्रिप पे जा रही है, वो आपको पता चलेगा आने वाले कुछ व्लॉग्स में।
ठाट से देखो, ये ठाट दामाद की ठाट, दामाद के ठाट, और ये साले साहब, ये ससुर साहब, ये सासू माँ, वो ये इसलिए खड़े हैं, जल्दी जाओ, पापा भी इसलिए खड़े हैं, जाते क्यों नहीं, और ये भी इसलिए खड़ा है कि भाई बगीचे में बाकी चाबी लेके चलो छोड़ के आओ, बैठा हूँ, आप रुकते नहीं हो, आप रुकते नहीं हो, हम इसलिए खड़े हैं आपकी चीज पूरी करने के लिए, हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुश खबरी देने वाले हैं। किस चीज की बताएंगे, ये बोला है तो थोड़ा, अरे पापा जी खुशी बन गई इस बात में, चलो 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 चले, बाय 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 मम्मी, बाय पापा, गुड नाइट, बाय एवरीवन, बाय, मैं पहले जा रहा हूं, पीछे आ जाना बाइक से, ईदी दे रही है मम्मी, ईद आने वाली है, देखो ये नहीं बस आपने दिखा दी, मैंने ले ली, हो गया कितना तो ले, अच्छा अच्छा सुबह मत निकलेगा नहीं, मैं जा रहा हूं मम्मी लेकर आऊंगा वो अभी, और बच्चा ठीक है यार, मम्मी की खुशी है, नाना जी, अरे नहीं ये लेन देन पैसों की खत्म करने दी जाओ, देखो हर कोई कहता है खत्म करो खत्म करो, पर कोई खत्म करने की हिम्मत नहीं कर रहा, One eternity later. किसको तुम्हारा तो कैसे बोला तुम्हारा वो तुम्हारी आवाज़ सुनते भाग गया देख रहा कैस्पर वो वेलकम कर रहा है यार नहीं वेलकम कर रहा है वो भौंकना उसका अलग होता है ये वेलकम है तुम समझते नहीं हो मुझे नहीं समझ आती देखो देखो अरे कैस्पर वेलकम मैं अपनी ससुराल का अच्छा बहुत मजा आ गया ससुराल में ओहो मजा आ गया ससुराल में मजा मजा आओ क्यों ससुराल में मजा नहीं आना चाहिए बस तो मेरे को क्या मेरी ससुराल में मजा क्यों नहीं आना चाहिए ससुराल में मजा ससुराल में अपना ही मजा है खातिरदारी होती है दामाद की बढ़िया तरीके से ओहो ये किसने भेजा सो स्वीट दिखा ना कितना प्यारा है पर रात को बहुत डरावना लगेगा ऐसा लगा असलियत का है ये मुझे बहुत प्यारा है ये तो बेटू के कपड़ों से मैचिंग हो गया कैसा लगा बुआ राम राम हाँ राम राम हाँ तभी तो बाल देख बाल देखो मेरे छोटे करा लिए फूफा जी नमस्ते देव फूफा जी बाल कटा लिए छोटे करा लिए इट्स सो क्यूट 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 माय शू कितना ठीक है सर ये शोर मचा रहे हैं यहाँ के मजा नहीं आ रहा उसे हाँ हाँ दे मेरी शादी हो गई अक्षय की शादी हो गई मेरे मामा लड़के मीना की शादी हो गई बचा प्रेंचु तो हम सब फूफा जी को फोर्स कर रहे हैं कि अब प्रेंचु को शादी करा दो वो अकेला बचा हुआ है एज अ बैचलर नहीं तो हम सब शादी वाला होगा मैं सही ना हो जानी चाहिए ना प्रेंचु की शादी हमारे साथ भी तो 26 साल का हो उसकी हो जानी चाहिए शादी बेटी सुंदर आपकी क्या पसंद आ गया इसमें मेरी तो आंखों में प्यार की पट्टी चढ़ गई थी मैं आपके ऊपर क्या पट्टी चढ़ गई आंखों पे प्यार की पट्टी चढ़ी थी मुझे सुंदर है पहले लगती थी सुंदर अब चलो नहीं भाई मजाक अलग है भाई ये मजाक सिर्फ मैं कर सकता हूँ मेरी भी बहुत सुंदर है ठीक है शायद मैंने बोल दिया कोई नहीं बोलेगा कमेंट में कोई नहीं बोलेगा मेरी भी बहुत सुंदर है मैं इसको ऐसे छेड़ देता हूँ कामाक्षी को मिस करता हूँ इसलिए मैं कामाक्षी शाय को छेड़ लेता हूँ कामाक्षी की मुझे बहुत याद आती है यार लड़ना झगड़ना उसे पीटना उसका उल्टा मुझे मारना यार छोटी बहन के साथ जो मजा है ना ओहो तो इसलिए मैं शाय को ही छेड़ लेता हूँ ऐसे ऐसे कौन डराता है बुद्धू मैंने मुझे तो डरा दिया गंदा तो क्या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग यू नो मम्मी से या फैमिली से मिलके मैं थोड़ी और पॉजिटिव हो जाती हूँ ओके दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा बहुत जल्दी आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलने वाली है क्या उसके लिए व्लॉग को पूरा देखा कर